हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज धनतेरस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ देखते हैं कि आप लोगों की जो डायरेक्ट एडमिशन की डेट थी वो आ चुकी है और उसका प्रॉपर जो नोटिस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। क्या नोटिस है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली आएंगे, किस प्रकार से पीएनपी की साइड से नोटिस आया है, तो उसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2021 के अंतर्गत प्रदेश में रिक्त सीटों की 100% भरे जाने के उद्देश्य से सीधे प्रवेश डायरेक्ट एडमिशन की कार्यवाही किए जाने हेतु समय सारणी मैंने आप सभी से कहा था 1 नवंबर तक आप लोगों की डेट आ जाएगी। और 1 नवंबर से आज आप देखिए 2-3 नवंबर ही हुआ है और आप लोगों की डेट जो है वो आ चुकी है। तो ये आप लोगों के लिए कितना अच्छा रहा ना कि जो बच्चे इतने टाइम से वेट कर रहे थे उनका जो डेट है वो आज आ चुकी है, अब आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बारे में देखते हैं। कार्यालय द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति में क्रम में डीएलएड प्रशिक्षण 2000 के अंतर्गत चयन प्रवेश की कार्यवाही के उपरांत प्रदेश के राजकीय निजी संस्थानों में रिक्त सीटों की 100% भरे जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या इतना दिया, ये कोई मतलब का नहीं है। बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 दिनांक को 2/11/2021 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार डीएलएड 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन वाले अप्रवेशित अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश लिए जाने की कार्यवाही किए जाने हेतु समय सारणी निम्नवत है। मतलब आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं डाइट कॉलेज में भी, और उसके साथ साथ आप लोग प्राइवेट कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि डाइट कॉलेज में भी अभी आप लोगों की सीटें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाली हैं काफ़ी कॉलेजों में। तो आपको डायरेक्ट कॉलेजों में जाके अपने कॉलेज में जो भी वहाँ के प्रिंसिपल हैं वहाँ पर जाकर बात करनी है प्रिंसिपल से या वहाँ के प्रबंधक से, वो आपको बताएं कितनी सीटें खाली हैं। साथ ही आपके परसेंटेज के हिसाब से जो आपकी मेरिट बन रही है उसी के आधार पर आई थिंक वो लोग लेंगे डायरेक्ट एडमिशन। ये आपको वहाँ जाकर ही डिस्कस करना पड़ेगा। तो अगर आपको डाइट कॉलेज लेना है तो आप अपने ज़िले में जाकर वहाँ के कॉलेज के जो प्रबंधक और या प्रधानाचार्य हैं आप वहाँ से जाकर उनसे बात कर सकते हैं। आगे देखते हैं। रिक्त सीटों पर अभ्यर्थी द्वारा सीधे प्रवेश डायरेक्ट एडमिशन लिए जाने तथा निजी संस्थानों द्वारा अवले की जाँच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि एवं प्रक्रिया क्या रहेगी उसके बारे में देख लेते हैं। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश लिए अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर रिपोर्ट दिए जाने की अंतिम तिथि किस प्रकार से है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है कि जो आपकी डेट है वो आपकी 8 नवंबर से 13 नवंबर तक आप लोगों का डायरेक्ट एडमिशन होना है। ये आपकी डेट दी हुई है 8 नवंबर से लेकर, आपका 8 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 13 नवंबर तक चलने वाली है ये डायरेक्ट प्रक्रिया एडमिशन की। प्रतिदिन 10 बजे पूर्वाह्न से, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आप लोग आवेदन पत्र प्राप्त करना है आप लोगों को। उसके बाद सेकंड है, प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे से 5 बजे तक आवेदित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर नोटिस बोर्ड पर चिपका तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को दूरभाष मैसेज के माध्यम से सूचित करना है। मतलब ये है आप लोगों के सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आवेदन पत्र आप लोग अपने सबमिट कर सकते हैं कि आपको कॉलेज चाहिए, वहाँ पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। साथ ही उसके बाद 4 से 5 बजे तक आप लोगों की जो मेरिट की लिस्ट है उसी के आधार पर आप लोगों को कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। और जो प्रवेशित अभ्यर्थी होंगे उनको मैसेज के द्वारा या फिर आप लोग दूरभाष नंबर जो कि आप कॉल के द्वारा आपको ये चीज़ सूचना पहुँचाई जाएगी। तीसरा है, प्रतिदिन प्रवेशित अभ्यर्थियों को का प्रवेश वेबसाइट पर लॉक करना होगा। मतलब जिन भी बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन होता है कॉलेज वालों को उनको लॉक करना होगा, उन बच्चों की सीटें जो है वो लॉक करनी होंगी। आगे देखते हैं। 15 नवंबर नोट, निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक नहीं किए जाने पर प्रवेश मान्य नहीं होगा। मतलब आप जो भी कॉलेज में अपना एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर जो आप अपना आवेदन कर देंगे तो ये आवेदन जो है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर ही नोटिस आपको प्रॉपर बनेगा, ये आपको कॉलेज वाले ही बताएंगे क्या प्रोसेस रहने वाली है। साथ ही इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर है। अगर तब तक आप लोगों की जो आप लोगों का प्रवेश है वो अगर वेबसाइट पर नहीं चढ़ाया जाता है, मतलब वेबसाइट पर आपकी सीट लॉक नहीं होती है, तो फिर आपका एडमिशन जो है वो नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं क्या नोट दिया हुआ है इन्होंने। इन्होंने फर्स्ट नोट में बताया है, फर्स्ट पॉइंट है, डीएलएड प्रशिक्षण 2021 प्रवेश चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,154 तक के समस्त अभ्यर्थियों को प्रथम चरण में प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने का अवसर प्रदान किया जा चुका है। मतलब जो फर्स्ट आप लोगों की जो वो थी काउंसलिंग हुई थी उसमें आप लोगों का के अभ्यर्थियों ने प्रथम चरण में अपना प्रशिक्षण जो था संस्थान फिल कर दिया था उन्होंने। उसके बाद देखते हैं था प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय चरण में आरक्षित विशेष आरक्षण श्रेणी के अतिरिक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सीटों का 100% भरे जाने के उद्देश्य से आरक्षित विशेष आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों को अनारक्षित श्रेणी के सीट पर परिवर्तित करते हुए सीधे प्रवेश
एडमिशन की कार्रवाई की जा रही है। मतलब आप लोगों ने देखा कि 2.5 लाख जो सीटें थी पहले, दो मतलब एक रैंक से लेकर 2.5 लाख रैंक जिसकी भी आई थी उनको पहले प्रवेश दिलाया गया, और जिन बच्चों को नहीं कॉलेज मिला या जो सीटें जो होती हैं वो आप लोगों की रिजर्व कर लेती हैं, कुछ रिजर्व कोटे के लिए रिजर्व हो जाती हैं, तो जब उनमें प्रवेश नहीं लिया जाता है तो जो जनरल या ओबीसी वाले बच्चे होते हैं उनको वो सीटें प्रोवाइड कर दी जाती हैं और उसी पर ही आप लोगों का डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो यही प्रक्रिया चल रही है। जो सीटें आरक्षित थी मतलब उन पर प्रवेश नहीं हुआ, तो उसके बाद अब जो नॉर्मल लोग हैं, जो जनरल लोग हैं, उनको उन सीटों पर प्रवेश दिया जा रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट प्रक्रिया भी कहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन इसीलिए होते हैं। सेकंड देखते हैं, शासनादेश दिनांक 2/11 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्रदेश के राजकीय एवं निजी डीएलएड संस्थानों द्वारा रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश की कार्यवाही डीएलएड प्रशिक्षण 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,154 तक के ऐसे अभ्यर्थी जिनका अद्यतन प्रवेश नहीं हुआ है से ही रिक्त सीटों पर प्रवेश की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश सुनिश्चित किया जा चुका है उन्हें कदापि इस प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मतलब आप लोग समझ लें, जिन भी बच्चों को कॉलेज मिल चुका है और उन्होंने वो कॉलेज अपना लॉक नहीं किया या फिर वो कॉलेज नहीं लिया, तो वो उन लोगों को किसी भी हाल में कॉलेज नहीं मिल सकता है। और अगर आपको लेना है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट कॉलेज में जाकर बात करनी होगी, वहाँ के प्रिंसिपल से वही आपको आगे की चीज़ें बता सकते हैं, जिनका एक बार एडमिशन उन्होंने वो काउंसलिंग कराई थी और काउंसलिंग में उन्हें कॉलेज मिल चुका था, उसके बाद भी उन लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया। आप इस चीज़ को समझें थोड़ा सा। सीधे प्रवेश लिए जाने हेतु दिशा निर्देश व शर्तें शासनादेश संख्या इसके बेसिक शिक्षा अनुभाग 4/2/11 में दिए गए हैं, जिनका अवलोकन विभागीय वेबसाइट updlet.government.in पर किया जा सकता है। आप लोग देख सकते हो क्या चीज़ें हैं, तो ये प्रॉपर उसका आ गया है, किन किन बातों का ध्यान देना है, नोट आपने पढ़ ही लिया है कि किस प्रकार से आपका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। और हर साल डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो मैंने आपको ये बात शेयर कर ली थी कि आप लोगों का डायरेक्ट एडमिशन होगा, बस वो लेट डेट हो रही थी उसका थोड़ा सा इशू था, लेकिन 1 तारीख मैंने आपको बताया था और आज 2 तारीख ही हुई है, आप लोगों की जो डेट थी वो आ चुकी है। अभ्यर्थी अपने डीएलएड प्रशिक्षण 2021 के ऑनलाइन आवेदन पत्र पर समस्त शैक्षिक आरक्षण, विशेष आरक्षण आदि सुसंगत अभिलेखों के साथ निजी संस्थान में रिक्त सीटों के प्रति सीधे प्रवेश हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा निजी संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के किए गए आवेदन के प्रति रिसिप्ट उपलब्ध कराना है। मतलब जो आप लोगों ने अपने जो भी आप कॉलेज फिल करें और जो भी आरक्षण या विशेष आरक्षण के लोग हैं वो अपने जो अभिलेख हैं वो जाके निजी कॉलेज में सबमिट वगैरह करा दें, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नोट नहीं है, तो आप लोग ये जाके अपने जो भी आप लोगों को एडमिशन लेना है वो करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया है 4th नोट भी है, अनिवार्य होगा अभ्यर्थी अपने डीएलएड ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट वेबसाइट updlet.government.in से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप लोग आवेदन करेंगे तो आप लोगों को वहीं से प्रिंट आउट भी प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रवेश हेतु निर्धारित समय के उपरांत प्रतिदिन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वेबसाइट updlet.government.in पर दिए गए कॉलेज लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से डायरेक्ट एडमिशन के लिंक पर जाकर अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर को अंकित करते हुए प्रवेश दिए गए अभ्यर्थियों को लॉक रिजॉल्व करना सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब आप लोगों को कॉलेज में ही करना है, इस पर कोई ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है कि आपको शॉप पे जाकर फिल करना है या कॉलेज, कुछ ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो भी अपना कॉलेज चाहिए, मनपसंद कॉलेज चाहिए, घर के आसपास जो भी कॉलेज चाहिए, वहाँ आप कॉलेज में चले जाइए, प्राइवेट कॉलेज में, और वहाँ जाकर आपको कॉलेज वालों से बात करनी है वो क्या चीज़ें आपको बताते हैं, देन आपको वहाँ पर एडमिशन ले लेना है, और वो आपका एडमिशन जो है वो आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन वो कॉलेज वाले ही करेंगे, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। इस पर निर्धारित अभी तक वेबसाइट पर रिपोर्ट ना किए जाने पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश मान्य नहीं किया जाएगा तथा माना जाएगा कि निर्धारित तिथि के उपरांत प्रवेश लिया गया है एवं लिया गया प्रवेश अवैधानिक होगा। मतलब आप लोगों की अगर डेट निकल जाती है 13 नवंबर के बाद अगर आप प्रवेश लेते हो और फिर वेबसाइट पर कुछ अगर डेटा आपका चढ़ाया जाता है तो आपका एडमिशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों को फटाफट एडमिशन करा लेना है, जो भी बच्चे वेट कर रहे थे और जो वेट नहीं कर रहे थे चाह रहे थे कराना, उन लोगों को भी इस बात का आप लोग शेयर कर दें वीडियो की आप लोगों की डेट आ चुकी है। जो बच्चे सोच रहे हैं और जो बच्चे करना चाहते हैं वो लोग भी एडमिशन करा लें, जो सोच रहे थे वो लोग भी फटाफट एडमिशन करा लें। 5th, प्रवेश के समस्त डाइट निजी डीएलएड संस्थानों एवं अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण 2021 हेतु निर्गत शासनादेश संख्या बेसिक शिक्षा अनुभाग लखनऊ दिनांक 25/6/2019 द्वारा आधारित समय सारणी शैक्षिकार्यता एवं आयु के अनुसार सीधे प्रवेश के अंतर्गत प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी। मैं आप लोगों को जो 2019 की प्रोसेस रही थी उसका ही है और कुछ आपको नया नहीं है यहाँ पे, और इसमें आपको यहाँ तक आप लोगों ने सारी चीज़ें नोट आपने देखी लिए हैं, तो ये कुछ आपके नोट हैं जिसपे आपको ध्यान देना है कि अगर आप डेट के बाद एडमिशन कराते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, साथ ही आपकी जो डेट है वो 8
नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। 8 नवंबर से आप लोगों को 13 नवंबर तक एडमिशन कराना है, तो आप लोगों को 8 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की काउंसलिंग, और जो डायरेक्ट एडमिशन है वो आप लोगों को 13 नवंबर तक करा लेना है। हर हाल में कॉलेज जो ओपन होते हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ओपन होते हैं, और तब तक आप लोगों को अपना काम जो है वो करा लेना है। और इस बार प्लीज़ आपको जो भी आपका मनपसंद कॉलेज है वहाँ जाकर बात कर लें, और फीस जो है वो फीस भी कम हो जाती है, तो आप लोग फीस भी अपनी कम करा सकते हैं कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में, आई थिंक गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जैसे ही आप लोगों का एडमिशन होता है आप लोग फटाफट आवेदन कर दें स्कॉलरशिप के लिए, तो आप लोगों की स्कॉलरशिप भी आ जाएगी। तो जैसे ही एडमिशन होता है उसके बाद आप लोगों को स्कॉलरशिप फॉर्म भर देना है। स्कॉलरशिप फॉर्म की जो डेट है वो 1 महीने तक बढ़ गई है, तो आप लोग जैसे ही आप लोगों का एडमिशन हो फटाफट आप लोग स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर दें। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग जल्दी मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।